आप दूर क्यों जा रहे हैं? अभी ये रिसेंटली आपने सुना था, एक वो लिल नास एक्स, एक वो एक रैपर है, अच्छा, और नौजवान है 21-22 साल का, उसने अपनी जो है ना वो एक गाना निकाला है, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए यहाँ पर, खैर वो स्ट्राइक ना हो जाए। आप गाना निकालना बताएं, आप बताएं कि उसका वो मेन एसेंस क्या है। खैर वो बेसिकली वो बंदा बता ही रहा है कि आई वाज गे अपनी सारी जिंदगी एंड आई हैव बीन हाइडिंग इट, अच्छा, और अब मैं नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। और साथ वो बाइबल का एक वर्स लेके आता है, लूक, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो वर्स लेके आता है कि इंसान जो है ना वो उसको बनाया ही ऐसी सूरत में गया था कि जहाँ पे मेल और फीमेल तीन सूरतों में बनाया गया था, मेल फीमेल और एक ऐसी फॉर्म जो कि दोनों की एक दरमियान की फॉर्म है, दोनों की कॉम्बिनेशन है, कि बेसिकली एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ये। वो कहते हैं कि ये हम वापस अपनी असल शक्ल की तरफ जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं बचपन में था और अभी भी हूँ एंड आई हैव बीन नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये सोसाइटी में टैबू समझा जाता है, लेकिन अब मैं ये करूंगा और खुलम खुला करूंगा। और उस पूरी म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया कि वो पहले जन्नत में दिखाया गया, अच्छा, उसके पास शैतान आता है ऐसे सांप की सूरत में और वो उसको सिड्यूस करता है, और वहां से वो सिड्यूस होने के बाद शैतान को फॉलो करते 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 वो इसी अपने गेज़म के अंदर फॉलो करते 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 वो दोजख में चलाते, दिखाते ही इज फॉलिंग डाउन डाउन डाउन, और उसके बाद वो जाके शैतान की थ्रोन के ऊपर उसके साथ उसकी कुर्सी पे बैठ के वहां पे गलत काम करता है। एंड दिस इज नॉट PG-13 और एनीथिंग, ये वो कंटेंट है जो बच्चों के लिए ओपन है। और इन्होंने फिर जूते लॉन्च किए, इसी सिंगर ने अपने जूते लॉन्च किए, और उसने कहा कि उन जूतों के अंदर इंसान खून डाला हुआ था, जिसको नाइकी ने जो है ना उसको वो कर दिया, सू कर दिया कि हाउ कैन यू यूज आवर शूज फॉर दिस फिल्थ, एंड दे ऑल्सो वॉन दैट लॉ सूट। तो ये इस वक्त सिचुएशन है हमारे मीडिया की, जो हमने बच्चों को टैबलेट्स पकड़ाए हैं वो देख रहे हैं, और ये सब कुछ होने के बाद हम इसमें बहुत बड़ा कसूर, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर है। शेख वल्लाह अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कुछ बच्चों से ही बात कर रहा था, लड़कों से बात कर रहा था, उनको समझा रहा था कि यार ये इन चीज़ों में मत करो ये वो, आई हैव नोन देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली हमारे गरीब के लोग थे, तो मैं उनको समझाने के बाद ना बार 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 जब उनके पेरेंट्स से मैं बात की ना, तो मैं बस रोया नहीं हूँ मैंने, और बाकी मैंने सब कुछ वहाँ पे कहते हूँ। और उसकी रीज़न ये थी, मेरी परेशानी की रीज़न ये थी कि मैं उन पेरेंट्स को मैं देख के हैरान होता हूँ कि आप अपने बच्चों को उन सोसाइटीज़ में बिठा रहे हैं, उन लोगों में बिठा रहे हैं जहाँ पर ये फिल्थ है, उन इदारों में भेज रहे हैं जहाँ पर ये फिल्थ है, उनका ईमान कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ पर वो फिल्थ है, वो रिलेशनशिप्स में है और आपको पता है वो रिलेशनशिप्स में, और यू डोंट बैट एन आई, क्यों? जब तक बच्चा अच्छे नंबर लेता रहता है या नंबर लेती रहती है, डिग्रियां आ रही हैं, एज लॉन्ग एज डिग्रियां आ रही हैं, खैर ये टाइम पास चलती रहती है। और मुझे गैजेट्स लेके दिए मैं, उनको गैजेट्स लेके दिए मैं, आपने उनको इंटरनेट इंडिपेंडेंस दिया हुआ, आपने उनको पूरी अथॉरिटी दी हुई कि सब गंद करो जो करना है करो, एंड द मोमेंट दे वांट टू मैरी समवन उसे कहते हो नहीं तुम सेटल नहीं हो। सुबह आए जी हैदर भाई, आए इनको जरा काउंसलिंग कर दें, इन पे कोई दम कर दें, कोई फूंका मार दें कि ये हमारे अतात गुजार बन जाए। तो मुझे बच्चों पे दर्श आता है, मुझे हमारी यूथ को दर्श आता है कि आप उनको हर चीज पे एक्सपोज करके, ठीक है ना, और आप उनको इतनी एक हाइटेंड लेवल ऑफ क्या कहते हैं डोपामिन पे लेके चले गए, वो इतना आपने उनको एंटाइस कर दिया है और मींस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे उनको, यू नो, उसके बाद जब वो टाइम निकालने की बात आ रही, जो एक रास्ता है, वाहिद हलाल रास्ता है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए रखा हुआ है, वो नहीं करेंगे, वो नहीं आपने करने देना उसको, हराम अलाउड है, हराम अलाउड। बेटा पीछे डेट मारते रहो सब, यार सुभान अल्लाह, मेरा दोस्त था वो कहता था, मैं उसकी माँ को पता था, बाप को पता था, वो एक लड़की से रिलेशनशिप में था, डेट करे मतलब दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसने कहा मेरी शादी करते हैं इससे, मैंने कहा शादी नहीं कर सकते यार, अजीब, क्यों? मैंने कहा भाई अभी तो तैयारी, तुम अपनी पांव पे तो खड़े हो जाओ पहले। मेरे ख्याल से ये वही माँ बाप है जो खुद यूनिवर्सिटी में से निकल के आए हैं और खुद एजुकेटेड नहीं है, और इनको खुद भी नहीं पता, जो खुद एजुकेटेड नहीं है, हाँ ना, खुद एजुकेटेड नहीं है, मतलब इस्लामिकली मैं कह रहा हूँ, जिनको कुछ शऊर नहीं है उस हवाले से, इस्लामिकली भी, और मैंने अक्सर ये लोग देखे, ज्यादातर ये लोग क्या रियलिटी क्या है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो चीज अचीव नहीं की होती ना, वो अपने बच्चों को वो चीज अचीव करवाने के लिए वो बहुत ज्यादा मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मैं चाहूंगा मेरी बेटी है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा, और जो खुद पढ़े लिखे होंगे ना वो कहेंगे यार छोड़ो इसको मेरा, तुम बिजनेस करो, ये छोड़ो यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, जो फोर्सेस के होंगे वो कहेंगे यार फोर्सेस में कुछ नहीं रखा हुआ, तुम जो ना सिविल में जाओ, जो बिजनेसमैन होंगे वो कहेंगे कुछ और करो, यानी जिसके पास जो चीज नहीं है वो समझते हैं कि यार The grass is greener on the other side. जब वो हदीस आ रही है, आप कह रहे थे ना नजर नजर की बार बार बात कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबी थे फुज़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि बहुत खूबसूरत थे, और हज के मौका था शायद, वो ऊंट पे बैठे हुए थे और एक खातून आई,
because of the Hajj, she wasn't wearing the niqab. So she was also very beautiful. So wo jo Fudail radhiyallahu anhu, he started looking at her and she also started looking at him. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ne unka muh pakad ke aise mod diya. और ये कहा कि नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू एंड हर, आपकी पाइटी में शक नहीं है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट द शैतान। अल्लाह हू अकबर, हाउ बिग ऑफ अ हदीस दिस इज, कितने कमाल की काउंसलिंग की है कसर है कि आपकी तक में शक नहीं है, लेकिन शैतान जो है ना, असल में ये हम लोग कहते हैं ना कि यार तूने मुझे इतना वो समझा हुआ यार, देखने में देखने से क्या होता है यार, इतना मसला नहीं है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, कोई इतना वीक नहीं हूँ। अल्लाह के नबी सल्लम क्या टीचिंग दे रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं ना अक्सर, हम लोग कहते हैं कि मसला नहीं है यार, हर बंदा हर वक्त ये नहीं सोचता था, किसी को आप समझाएं, इतने एक्सट्रीमिस्ट ना बनो यार, क्या हो गया यार, दिमाग तो नहीं, ही इज माय कॉलीग, ही इज माय कॉलीग, हम मिलकर काम कर रहे हैं, काम भी ना करें यार, इतने हर बंदा तुम्हारी तरह, तुम मौलवी है ना, हर वक्त सोचते ही यही बात करते हो। यार मेरा एक दोस्त है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसने मेरे ना यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की, और मैं उस बंदे की ना आपको वो बता रहा हूँ, लेवल ऑफ पाइटी बैक इन द डेज एट दैट टाइम, आई यूज़ टू बी विद हिम इवन व्हेन आई वाज नॉट इन ऑन, मतलब प्रैक्टिसिंग दीन। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो टेलीनॉर के ऑफिस में गया, और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो है वो खातून थी, यार सुभानअल्लाह वो अमेजिंग एक्सपीरियंस, उसकी बड़ी अच्छी आदत थी कि वो ना नज़र उठा के नहीं बात करता था किसी भी लड़की से ना, तो जो भी उसका मसला था ना, थ्रू आउट ही केप्ट लुकिंग डाउनवर्ड्स, और उसने सारा बात ख़त्म की, और वो जब बात ख़त्म होगी तो वो लड़की इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई, और उससे ना रहा नहीं गया, वो पूछने लगी कि आपने मेरी तरफ़ देखा क्यों नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी तरफ नहीं देखा, और ये वो इस तरह से ना, शी वॉज़ वेरी मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग, व्हाई डिडंट यू लुक एट मी, और इस तरह से। तो इतनी, मतलब ये दीनी दीन की जो टीचिंग्स है, अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, हम लोग अपनी लाइफ में करें, तो इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन। और बात भी ये कि स्टार्ट आपने नज़र से, सोच से करना है, अगर तो आपने नज़र उठा के देख ली है, अलग में क्या फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी चीज़ें पढ़ जाओ, यानी तुम किसी को देख लो, हाँ, तो फौरन से घर आके अपनी वाइफ के साथ यानी रिलेशनशिप कायम करो, ताकि उस हलाल मींस फाइंड करो, ताकि वो जो नजर है ना आपकी पड़ गई है, दिस विल इवेंचुअली गो समवेयर, ठीक है। और इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग, जैसे आपने कहा, वाला थिंकिंग अगर हम तोड़ देना इस सर्कल को, इट विल स्टॉप, लेकिन अगर हम इसको ना तोड़ें तो फिर फीलिंग्स में कन्वर्ट होता है, फीलिंग्स पे बनने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग्स में कन्वर्ट ना करें, इसको रोके ना, तो फिर एक्शंस बनने शुरू। अच्छा, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, मैं क्विकली इस चीज पे अटेंशन लाना चाह रहा हूँ कि अब जो बेचारा बंदा देवदास बन गया, ठीक है, और थोड़ा अंदर उतर चुका है, शायद उसको एहसास भी हो गया है कि यार मैंने जो किया गलत किया, ठीक है, चाहे जो भी रीजन से, चाहे वो जिस मर्जी हद तक चला गया और लाकी जितनी मर्जी नाफरमानी कर लिया, बाहर आने के लिए उसको कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए? इधर आप शुरू करते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि उसको सबसे पहले ना म्यूजिक कट करना चाहिए। Exactly. मैं समझता हूँ म्यूजिक को बंदा कट कर जाए ना, उसका ये जो प्यार है ना, ये डाई आउट कर देगा आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, खुद बखुद कट ऑफ म्यूजिक कम्प्लीटली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और साथ उसको ऑल्टरनेट भी हो, कुरान सुनना शुरू कर दो, ऐसे जैसे तुम्हारे दिल से वो जो जहर है ना वो उगल के बाहर निकल के बह जाएगा और तुम्हारा हार्ट प्योर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल में कि जब आप ये देखें ग्लास से भरा हुआ है ना, इसको अगर आप खाली करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब ये पहले किसी के प्यार से भरा हुआ था, आपने लड़कियाँ कुछ जिंदगी से चली गई, अब ये खाली है, या तो उस लड़की को दोबारा प्यार आ जाएगा, उसकी यादें दोबारा आएंगी, या फिर एग्जाम्पल देता हूँ कि या तो शराब से भर दे सकते हैं इसको आप, या फिर जमजम से भर सकते हैं इसको। सो एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग पॉजिटिव, लिसन टू कुरान, ठीक है, बी विद गुड पीपल, सिट इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, कुरान को पढ़ना, कुरान तफसीर पढ़ना शुरू कर दें, यानी ऑक्यूपाई योरसेल्फ इन समथिंग पॉजिटिव। अगर आप अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में टाइम नहीं लगा रहे, यू विल डेफिनेटली एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग नेगेटिव, ये फॉर श्योर बात है, बिकॉज़ एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अपने आप को पॉजिटिविटी में इन्वॉल्व करें, बिजी रखें, आएगा ख्याल। देखें ये जो हमारा जहन है ना, ये सोचों का एक बिल्कुल बॉक्स है, यहाँ पे ख्यालात आते हैं, नो डाउट आएगा ख्याल। अब आने के बाद इसमें ख्यालात आना अपने इख्तियार में नहीं है आपके, आने के बाद आप इन ख्याल से करते क्या है, आप इसको दिल पे लेते हैं, आप इसको फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते, या इग्नोर करते हैं, या आप अपने ख्यालात को चेंज करें, किसी पॉजिटिव चीज में टाइम गुजारते हैं, ये आपके इख्तियार में है। सो मेक दिस चॉइस के जो आ रहे हैं वो इसकी याद आएगी, और शैतान पीछे पड़ा रहा है, सब कुछ होगा, मेमोरी है, जारी बात है, आपने इतना टाइम गुजारा है, बिजी योरसेल्फ इन समथिंग गुड, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा बिल्कुल रातों की नींद नहीं आ रही और बिल्कुल आप साइकोलॉजिकली हेल्प चाहते हैं,
go to a counselor, seek mental help, psychiatrist के पास जाएं या किसी psychiatrist आपको बस गोलियां देके सुला ना दे, ये ना काम ना करते, क्योंकि आजकल यही कर रहे हैं सारे, अक्सर सारे नहीं, जिसमें आपको बस relaxants दे रहे हैं। मैं समझता हूँ religious counseling बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी ठीक है वो भी होना चाहिए, लेकिन religious counseling जब तक बंदे को ये इसकी सारी साइंस ना पता हो ना, और तकवा की फीलिंग ना हो, मतलब तकवा चलो डेवलप नहीं हुआ तो कम से कम तकवे का कॉन्सेप्ट जरूर हो कि यार अल्लाह ताला का फियर भी कुछ होता है, अल्लाह ताला से इंसान की हया भी कुछ होती है कि मैं हया करूं गुनाह के वक्त, हया ये है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है ना, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुभान ताला, ये कॉन्सेप्ट भी होना इंसान का बड़ा जरूरी है और इसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। सर मैं इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये कि आप जिस जिस जगह पे आपके पास क्रॉस हो सकते हैं ना, आप उन जगहों को अवॉइड करना शुरू कर दें, आप अपनी जगह चेंज कर लें, आप जहाँ रहते हैं आप वो जगह चेंज कर लें, इफ यू रियली सीरियस अबाउट चेंज आप उस जगह से निकल जाएं, आप इलाका चेंज कर लें, आप इलाका चेंज कर लें, दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर दें, दूसरा शहर जाके रहना शुरू कर दें। सही बात है।